कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की आज 21वीं बरसी है। आतंकवादियों ने 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमला किया था। संसद पर हुए हमले में के 21 साल बाद भी आज इस काराना आतंकवादी हमले की यादें भारतीयों के दिलो दिमाग में ताजा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 21 साल पहले का वो भयानक दिन, संसद पर हुआ था आतंकवादी हमला। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था संसद। सफेद एम्बेसडर कार में आए थे आतंकी। संसद में आडवाणी समेत 200 सांसद थे मौजूद। अफजल गुरु था संसद हमले का मास्टरमाइंड। संसद भवन में हुए आतंकवादी हमले की आज 21वीं बरसी है। जी हाँ, 13 दिसंबर 2001 वही तारीख है, लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ था। गोलियों की तड़तड़ाहट से संसद गूंज उठा था। यह हमला उस समय हुआ था जब शीतकालीन सत्र चल रहा था। पाकिस्तान के 5 दहशतगर्दों ने संसद भवन परिसर में घुसकर गोलीबारी की थी, जिसकी यादें आज भी ताजा हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति समेत देश के सभी लोग संसद हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दरअसल 13 दिसंबर 2001 की सुबह संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था, जिसमें ज्यादातर सांसद मौजूद थे और संसद के दोनों सदनों में ताबूत घोटाला को लेकर हंगामा चल रहा था कि तभी एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन की ओर तेजी से आई और बैरिकेड को तोड़ते हुए अंदर घुस गई। इस एम्बेसडर पर गृह मंत्रालय का स्टिकर भी लगा था। इससे पहले कि सुरक्षा कर्मी कुछ समझ पाते, एम्बेसडर में सवार जैश के 5 आतंकियों ने AK-47 से गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज संसद परिसर में मौजूद सुरक्षा बल मुस्तैद हो गए। आनन फानन में CRPF के जवानों ने भी तुरंत मोर्चा संभाला, जवाबी कार्रवाई की और तुरंत संसद का एंट्री का गेट बंद कर दिया। करीब 45 मिनट तक संसद में गोलियों की आवाज सुनाई देती रही। सुरक्षा बलों ने सभी आतंकियों को मार गिराया। हालांकि इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, CRPF की एक महिला कांस्टेबल और संसद के 2 गार्ड समेत कुल 9 लोग शहीद हो गए थे। बता दें कि आतंकवादी संसद परिसर में घुसकर सांसदों और मंत्रियों को निशाना बनाने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उनके मंसूबे को चकनाचूर कर दिया और जिस वक्त आतंकी हमले को अंजाम दिया जा रहा था, उस दौरान ज्यादातर सांसद सदन में मौजूद थे और हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। हमले के वक्त तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी सहित 200 सांसद भवन में मौजूद थे, जिन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया था। गौरतलब है कि जब इस आतंकी हमले की जांच हुई तो सामने आया कि संसद भवन पर हुए इस हमले की साजिश अफजल गुरु ने रची, जो पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में ISI के कैंप में ट्रेनिंग भी ले चुका था। साथ ही जांच में ये भी पता चला कि संसद हमले में मारे गए 5 आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे। संसद में जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में करवाहट आ गई थी। साल 2002 में दिल्ली हाई कोर्ट और साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई थी। 9 फरवरी 2013 की सुबह अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी। खैर, अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करने वाले भारत माता के सपूतों के प्रति देश कृतज्ञ रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।